देखिए, ठीक यही अगस्त का महीना है और इसी अगस्त के महीने में बिहार ने देश की जनता को, देश को जो है दिशा दिखाने का काम किया था और हम लोगों ने ऐलान किया था कि हम लोग जो है बिहार में सरकार बनाने के बाद जो है देश भर में सभी लोगों को गोलबंद करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं, कोई सोचा भी नहीं होगा, ठीक अगस्त के महीने में जो है एक साल के भीतर दो बैठकें भी हो गई। पहले लोग कल्पना करते थे कि साथ बैठेंगे नहीं बैठेंगे, अब तो सारी बातें भी हो गई। अब तीसरी बैठक में बम्बई में हो रही है, वहाँ हम लोग जो जा रहे हैं। तो एक बिहार ने देश की जनता को दिशा दिखाने का काम किया है और जनता जो है पूरी तरीके से हम लोगों के गठबंधन के साथ खड़ी है। तो जो होगा वो तो पता चल ही जाएगा, तो सारा जो है ब्रीफ कर कोर्ट का बात लगातार होता ही रहता है, कौन सी बड़ी बात है। तो जो होगा उसका जवाब दिया जाएगा, उसमें तो सब लोगों को पता है कि किस संदर्भ में हमने बात कही है। तो हम लोगों का जो है कोर्ट के मामले में, कोर्ट में जो है हम लोग जवाब देंगे। और जहां तक जो एफिडेविट का मामला है, जो बीजेपी के लोगों का असली चेहरा जो है उजागर हो गया, आप बताइए रात भर में एफिडेविट भी बदल दिया जाता है, यानी ये साफ दिखाता है कि बीजेपी डरी हुई है और कभी भी नहीं चाहते थे कि जातीय आधारित जो है गन्ना हो, जो कास्ट बेस्ड सर्वे जो बिहार के लोग करा रहे हैं। आप बताइए अगर सामाजिक आर्थिक अगर डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, अगर ईबीसी के लोगों का हम पता चलेगा कि कौन गरीबी रेखा के अंदर है, कौन सी जाति, कौन सा वर्ण, कौन सा वर्ग, तो ये तो सारा गिनती तो होगा ही ना, तब ना पता चलेगा कौन कितना गरीब है। उसी के हिसाब से जो है डायरेक्ट जो है उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रम सरकार बनाएगी, योजना बनाएगी। अब जो गरीब है आर्थिक रूप से, जो पिछड़ी जातियां हैं, अगर उनका हकीकत पता चलेगा, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, तो बीजेपी को डर किस बात का है भाई। तो रात भर के अंदर जो है एफिडेविट बदल गया। तो सवाल ये है कि एफिडेविट किया क्यों गया, ये तो शुरू दिन से ही हम लोग कह रहे थे कि भाई सेंसेस का अधिकार जो है वो भारत सरकार को, इसलिए हम लोग कास्ट पे सर्वे करा रहे हैं, सर्वे कराया जा रहा है। अगर इतना ही है तो भारत सरकार को बोलिए संविधान में संशोधन करके जो है राज्यों को दे दें कि वो भी सेंसेस करा सकते, नहीं तो खुद करावे। तो ये तो सारा उनका जो चेहरा है उजागर हो गया। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग, आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं, तीसरी बार भी आएंगे।